महाकाव्य महाभारत ना सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी है, बल्कि ये कुछ ऐसे फैसलों का इतिहास है जो उस जमाने में तो क्या, आजकल की मॉडर्न जनरेशन के लिए भी बहुत मुश्किल है। आज हम महाभारत काल के दौरान लिए गए एक ऐसे फैसले के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी उस समय नामुमकिन था। उदाहरण के लिए, जहां उस जमाने में कोई स्त्री पराए मर्द की तरफ देखती भी नहीं थी, वहीं द्रौपदी को ये आदेश दिया गया कि वो पांच पांच मर्दों की पत्नी बनकर पूरी जिंदगी बिताएगी। वहीं द्रौपदी ने पांच पांडवों से पांच पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सवाल वही है कि द्रौपदी कैसे एक ही समय में पांच पांच पतियों के साथ रात गुजारती थी। आज हम आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल यू न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। द्रौपदी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सत्यभामा को बताया था कि वो कैसे पांच पतियों के साथ मैनेज करती है और कैसे अपने पतियों को संतुष्ट रखती है। सत्यभामा श्री कृष्ण की चौथी स्त्री थी, जिसका वर्णन प्राचीन काल के ग्रंथों में भली भांति देखने को मिलता है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सत्यभामा और श्री कृष्ण के विवाह का जिक्र धार्मिक ग्रंथ भागवत पुराण में किया जा चुका है। सत्यभामा और श्री कृष्ण एक बार वनवास के दौरान पांडवों के आश्रम में ठहरे थे और इसी बीच सत्यभामा और द्रौपदी ने बातचीत की। सत्यभामा ने पहले पूछा कि द्रौपदी कैसे अपने पांच पांच पतियों को संतुष्ट रखती है, जिस पर द्रौपदी ने बताना शुरू किया। स्त्री को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध के कारण बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए क्रोध पर काबू रखें। साथ ही पराए लोगों से व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी सत्यभामा से कहती है कि स्त्री को बार बार दरवाजे पर या खिड़की पर नहीं खड़े रहना चाहिए, ऐसा करने वाली स्त्री की छवि समाज में खराब होती है। किसी भी काम के लिए आलस नहीं करना चाहिए, जो भी काम हो उसे समय पर बिना समय गवाए पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर पति और पत्नी के बीच प्रेम संबंध बने रहते हैं। स्त्री को कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का अपमान होता हो। द्रौपदी कहती है कि मैं पांडव परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सम्मान करती हूँ। गलत आचरण वाली स्त्रियों से मित्रता या मेल जोल होने पर जीवन में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इस जवाब से सत्यभामा काफी खुश हुई और उसने द्रौपदी से एक बेहद ही निजी प्रश्न पूछ डाला कि वो पांच पांच पतियों के साथ कैसे रात बिताती है। आपको बता दें कि द्रौपदी ने पांच बेटों को जन्म दिया था और पांच पांडवों से उसे एक एक पुत्र था। युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य, भीम का पुत्र सुतसोम, अर्जुन का पुत्र शुत्रकर्मा, नकुल का पुत्र शातानिक और सहदेव का पुत्र शुत्रसेन था। सत्यभामा ने द्रौपदी से उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहा कि वो कैसे पांच पांच मर्दों के साथ रात बिताती है। इस पर द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया कि जब द्रौपदी की शादी पांच पांडवों से हुई थी, तब शादी से पहले द्रौपदी ने कुछ वचन लिए थे और साथ ही साथ ये शर्त भी रखी थी कि वो एक समय पर एक ही पुरुष की स्त्री बनकर रहेगी और एक साल तक वो जोड़ा किसी भी अन्य भाई से बात नहीं करेगा और ना ही कोई वास्ता रखेगा। उदाहरणार्थ, यदि अर्जुन द्रौपदी के साथ रात बिता रहा है तो वो एक वर्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा और किसी भी भाई से बात नहीं करेगा। और ऐसे ही एक एक करके सभी भाइयों की बारी आती थी, जिसे द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया। महाभारत काल में द्रौपदी अर्थात पांचाली वो स्त्री है जिसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ था, जिसे सबसे ज्यादा सहन करना पड़ा था। फिर चाहे वो पांच पुरुषों के साथ हम बिस्तर होना हो या फिर दुर्योधन का चीरहरण हो, और साथ ही द्रौपदी विश्व में इकलौती ऐसी स्त्री बन गई जिसने पांच पतियों के साथ आचरण किया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और नीचे बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल यू न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।